Thank you, Brother Ali Sheikh, for your beautiful and thoughtful words. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam had a profound impact on humanity. His message has transcended time and space, touching the hearts of billions of people around the world. His teachings have led to the establishment of just and compassionate societies. How it's time for Ahadis. So, I would like to invite Brother Usman for Ahadis. चिराग़े इश्क जलाकर आवाज देते हैं, हुजूर अपना समझकर नवाज देते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान अली है और मैं क्लास इसका तालिब इल्म हूँ। आज मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ अहदीस मुबारक बताऊंगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मोमिन लगातार बीमार हो उसको बख्श दिया जाता है। जब एक इंसान तौबा नौजवान इंसान तौबा करता है तो मशरिक से मगरिब के कब्रस्तानों में 40 दिन के लिए अजाब हटा लिया जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक वक्त आएगा जब लोग नेकी पर शर्म और गुनाह पर फख्र करेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, जो हक पर होने के बावजूद झगड़ा नहीं करता, मैं रोज़े क़यामत उसके लिए जन्नत में आला घर का दामन हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला रोज़े क़यामत तीन लोगों को देखेगा भी नहीं, वालदैन का नाफरमान, एहसान जुटाने वाला, मुस्तकल शराब पीने वाला। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी की ज़मीन ना हक ले ली, रोज़े क़यामत उसे 7 ज़मीनों में डंसाया जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो हम में से नहीं जो दूसरों जो बड़ों का अदब और इज्जत ना करे और छोटों से शफकत से पेश ना आए। शुक्रिया।